नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। राज्यसभा चुनाव को लेकर हरियाणा कांग्रेस ने अपने विधायकों को दिल्ली तलब कर रायपुर रिजॉर्ट के लिए रवाना कर दिया है। क्रॉस वोटिंग का डर कांग्रेस को खाए जा रहा है। अब कांग्रेस की यह मजबूरी है कि विधायकों की बाड़बंदी करने के लिए ही उसे मजबूर होना पड़ा। यूं समझ लीजिए कि कांग्रेस के विधायक कुछ दिन रिजॉर्ट में रहेंगे, लेकिन विधायकों की यह कैद आलीशान और आरामदायी होगी। यानी किसी को अंदर ही अंदर भीतरघात का खौफ खाया जा रहा हो और कोई बेफिक्र होकर रिजॉर्ट में सुकून का एहसास लेगा। लेकिन हरियाणा में राज्यसभा का चुनाव बेहद दिलचस्प हो गया है, इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। हरियाणा में राज्यसभा चुनाव को लेकर विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच शह और मात का खेल शुरू हो गया है। राज्य की दो सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस उम्मीदवार के अतिरिक्त निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा की दावेदारी ने कांग्रेस में भीतर घात का डर बैठा दिया है, जिसके बाद कांग्रेस की रिजॉर्ट पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। अपने विधायकों को क्रॉस वोटिंग से बचाने के लिए पार्टी नेतृत्व ने दिल्ली तलब किया है। कांग्रेस विधायकों को आज रिजॉर्ट में शिफ्ट किया जा रहा है। कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा से पूछा गया तो विधायक साहब ने अपनी जान का खतरा तक बता दिया। सिद्धू मूसे वाले के साथ हुआ हो, अब 30-31 जगह अलग अलग सबको सेफ रखना और एक जगह सेफ रखने में बहुत जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि हमारी जान को भी खतरा हो सकता है। वहीं असल से कांग्रेस विधायक शमशेर गोगी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने दावा किया है कि बीजेपी पाकिस्तान के मदद के बाद भी कांग्रेस के प्रत्याशी को हरा नहीं सकेगी। कांग्रेस का कैंडिडेट हारता नहीं, चाहे सब बीजेपी अपने मतलब पाकिस्तान दोस्तों की भी दो मदद ले लो। ये सारा दिन पाकिस्तान के नाम पे तो इनकी वोट है, अगर पाकिस्तान ना हो तो बीजेपी की एक भी वोट नहीं उड़े। एक तरफ कुलदीप बिश्नोई आला कमान से खफा खफा, तो दूसरी तरफ सूत्रों का ये भी कहना है कि शैलजा समर्थक कुछ विधायक जाने के इच्छुक ही नहीं थे। ऐसे में कांग्रेस का डर लाजमी है। कांग्रेस के 31 विधायकों में से एक कुलदीप बिश्नोई की नाराजगी के अलावा ये भी संभावना जताई जा रही है कि 3 विधायक और पार्टी के बाहरी उम्मीदवार से नाराज हैं। इसके अलावा 3 विधायक पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा के कहे अनुसार ही वोट करेंगे। शैलजा फिलहाल भूपेंद्र सिंह हुड्डा से नाराज है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर उनके अजय माकन से दोस्ती है। हरियाणा में राज्यसभा चुनाव कई रोमांचक मोड़ ला रहा है, जिसमें रणनीति के साथ साथ कूटनीति भी है और डर भी, जो इस चुनाव को और भी दिलचस्प बना रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो ये आपने देखा दिन भर क्या कुछ हलचल रही है। हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ रहे हैं। प्रोफेसर विधु रावल प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेद प्रकाश विद्रोही हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए, विद्रोही जी आपका भी स्वागत है। इंडियन नेशनल लोकदल से रजवंत धनीवाल जुड़ गए हैं, रजवंत जी आपका भी स्वागत है। और हमने कल ये बताया था आपको कि ये जो विधायक हैं ये रायपुर जा रहे हैं। हमने कल ही उस रिजॉर्ट की तस्वीरें दिखा दी थी, हालांकि विधायक इनकार कर रहे थे। तो हरियाणा से दिल्ली तक का सफर हमने दिखाया, और जब विधायक कह रहे थे हम सिर्फ मिलने आए हैं, तो जनता टीवी ने सबसे पहले दिखाया कि सब अपने अपने बैग लेकर आए हैं, और फिर जनता टीवी उनको लुटियन जोन से एयरपोर्ट तक छोड़कर आया। और अब रायपुर एयरपोर्ट पर भी हमारे संवाददाता मौजूद है, यानी कांग्रेस के विधायकों को लेकर पल पल की अपडेट हम आपको देंगे। लेकिन पहले इन सभी मेहमानों का स्वागत कर लेते हैं और शुरुआत करते हैं। वेद प्रकाश विद्रोही जी, नंबर आपके पास है पूरे, डर किसका लग रहा है सर? अपने ही विधायकों की बाड़बंदी बार बार कर देना, कभी राजस्थान में, कहीं दूसरे प्रदेश में, अब बताइए, एक राज्यसभा का चुनाव है, नंबर आपके पास पूरे हैं, फिर अपने विधायकों को यहां से उठाकर कहीं दूसरे प्रदेश में ले जाना, अपने ही विधायकों पर भरोसा क्यों नहीं? देखिए, अपने विधायक ऐसा है, देश का राजनीतिक और सत्ता दुरुपयोग काले ईडी सीबीआई आईटी से दबाव डालकर डराकर विधायकों की खरीद फरोख्त का काम पूरे देश में करती है, उससे सावधानी बरतने की जरूरत है। लेकिन सामने तो बीजेपी का कैंडिडेट भी नहीं है ना सर, वो जो है वो इंडिपेंडेंट है। आज इंडिपेंडेंट नहीं है, आप गलत फहमी में बने रहिए। मैं कोई गलत फहमी में नहीं हूँ। आप विश्लेषक की हैसियत से बात कीजिए भाई, ये सारा खेल बीजेपी का है। अच्छा। और उसी बीजेपी के ही वो प्रक्ष उम्मीदवार है, और बीजेपी किस तरह का खेल राजनीति में करती है आप अच्छी तरह जानते हो। उनका न नैतिकता में विश्वास है, न जनादेश में विश्वास है, न लोकतांत्रिक परंपराओं में विश्वास है, न मर्यादाओं में विश्वास है। उनका तो एक ही विश्वास है
कि वे कैसे भी किसी भी तरह हमें जीत मिलनी चाहिए और इस जीत के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार रहते हैं। एक हमारे विधायक जैसे कह रहे थे आपके सामने ही कि उन्हें जान का खतरा भी हो सकता है, उनकी आशंका गलत नहीं है, ये कुछ भी कर सकते हैं। बड़ा आरोप लगा रहे हैं सर, भाजपा कुछ भी कर सकती है। और जहां तक हरियाणा का इतिहास भी आप जान लीजिए, मैं दो तीन दिन से सुन रहा हूं, मैंने इतिहास बताया नहीं, मैं आपसे ही बता देता हूं। 82 को याद कर लीजिए, 82 के अंदर भाजपा और लोकदल साथ थे, मैं भी उनके साथ था। बीजेपी के 6 विधायक थे, 7 दिन दिल्ली में रहे थे, 7 दिन शिमला में रहे थे और 1 महीना चौधरी देवीलाल जी के तेजेखड़ा फार्म में रहे थे। 96 का इतिहास देख लीजिए, जब चौटाला साहब ने बंसीलाल जी की सरकार तोड़ी बीजेपी के सहयोग से, बीजेपी के 11 विधायक थे, पहले भी उनको उनकी बाड़ाबंदी हुई और जब विश्वास मत का दिन दिया उससे पहले भी बाड़ाबंदी रही। तो ये परंपरा कोई हरियाणा में नई नहीं है। राजनीतिक दल जो सत्ता में होता है वो टिकड़े में बढ़ाता है और उसकी टिकड़ों से सावधान रहने के लिए विपक्षी दल सावधानी बरतते हैं। ठीक है, किसको क्या आपत्ति है, हमें तो डर है। और एकजुटकर मैं आपके चैनल पे कह रहा हूँ बड़ी जिम्मेदारी के साथ, 10 तारीख को देख लेना, 32 से 33 वोट कांग्रेस के उम्मीदवार को मिलेगी। हमारा उम्मीदवार जीत रहा है पर हम बीजेपी के किसी भी प्रयास को सफल नहीं देना चाहते, इसीलिए प्रयास कर रहे हैं। ठीक है प्रोफेसर साहब, आप लोग सामदाम दंड भेद अपनाते हैं, जीत सुनिश्चित है अजय माकन की, विद्रोही जी कह रहे हैं, बस थोड़ा सा प्रिकॉशन ले रहे हैं, वो सावधानी बरत रहे हैं, आप लोगों का भरोसा नहीं है। प्रिकॉशन ही ले रहे हैं, बोलते हुए तो ये कह रहे हैं कि हमारी जीत पक्की है, फिर प्रिकॉशन किस लिए ले रहे हैं? और बोलते हुए तो इनके नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा इतने बड़े बड़े आसमानी दावे कर रहे थे, 2 दिनों पहले बैठकर कह रहे थे कि हमारा उम्मीदवार तो पक्का है, ये तो बीजेपी वाले उम्मीदवार पर दिक्कत है। आज जब बीजेपी के विधायक शेरों की तरह, मैं फिर से कह रहा हूं, भाजपा के विधायक शेरों की तरह हरियाणा में जनता के बीच में है, ये किस प्रकार से अपने विधायकों को, आपने बहुत अच्छा शब्द उपयोग किया बाढ़ बंदी, ये किस प्रकार से भेड़ बकरियों की तरह बांध कर ले गए हैं, ये विचार कि किस प्रकार से ये लोग अपने विधायकों पर भी भरोसा नहीं। प्रोफेसर साहब, हमने जो रिपोर्ट दिखाई है ना, वो बांध कर नहीं लेके, बड़ा आलीशान रिजॉर्ट है, वहां पे इंतजाम बहुत सारे हैं। नहीं, बाढ़ बंदी तो आपने शब्द का उपयोग किया ना, अब बाढ़ बंदी किसके लिए की जाती है? ग्रामीण पृष्ठभूमि वाले खूब अच्छे से जानते हैं। खैर, बाढ़ बंदी का आपने उपयोग किया, ये कांग्रेस का ये किस प्रकार से ये जनता के प्रतिनिधियों पर विश्वास नहीं करते, जिनको इन्होंने टिकट देकर चुनाव लड़वाया, जो जनता द्वारा स्वीकार किए गए, उन लोगों पर भी इनको भरोसा नहीं है। वो कह रहे हैं आप पर विश्वास नहीं है। नहीं, हम पर विश्वास, हम अगर कोई, पहली बात तो हम इस गेम में है ही नहीं, ये तो सुकोण में खामखा वाला मामला है। हम तो एक आजाद उम्मीदवार और कांग्रेस के बीच में लड़ाई रह गई है। हमारे उम्मीदवार कृष्णलाल पवार तो बिल्कुल सेफ है, लेकिन विषय क्या है? विषय ये है कि इनके पांव के नीचे जमीन नहीं, और कमाल ये है कि इनको यकीन नहीं, इनको इसके बावजूद भी जितने तीर तिकड़म लगा ले, जब ये अविश्वास की एक बार खाई इन्होंने खोद दी, तो विधायक जो आएंगे, विधायक आकर जवाब देंगे। ये इतिहास की बात कर रहे थे विद्रोही जी, आप मुझे इतिहास बताने से रोक देते हैं वरुण जी, लेकिन मैं एक ताजा इतिहास बता देता हूँ। यही भूपेंद्र सिंह हुड्डा नेता थे, उस समय मुख्यमंत्री हरियाणा थे, 2013 की बात कर रहा हूँ, जुलाई 2013 की, करनाल के अंदर निगम के चुनाव की वोटिंग हुई, रथ तैयार करके जिसको भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने नामित किया था कि चेयरमैन बनाएंगे, मेयर बनाएंगे, उन्होंने अपना रथ तैयार किया, जहां पर काउंटिंग होनी थी बाहर रथ सजा हुआ तैयार खड़ा हुआ, 12 लोग गिनकर अंदर गए, 12 लोग गिनकर बाहर आए, एक साथ आए, विक्ट्री का साइन दिखाया, लेकिन वोट निकली नो, और वो जो रथ जो बना बनाया था वो आधे रेट में दूसरे ने ले लिया और उसके बाद वो मेयर बन गए। तो कहने की बात ये है कि आत्मविश्वास और अति आत्मविश्वास में एक अंतर है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ब्रेवरी एंड स्टूपिडिटी। तो उसमें ना जाएं, इस समय स्पष्ट तौर पर दिखता है कि कांग्रेस के विधायक कांग्रेस के नेताओं की इज्जत नहीं करते, कांग्रेस के नेतृत्व पर भरोसा नहीं करते, और उसका कारण, बड़ा कारण जो है, इनकी नेतृत्व की किस प्रकार से अयोग्यपन है, वो एक बड़ा कारण है।
ये कोई प्रेरणा नहीं देता इनका नेतृत्व। इनका नेतृत्व जो कभी क्लब 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 खेल रहा होता है, कभी क्विक क्विक खेल रहा होता है, वो अपने विधायकों जनता में रहने वाले लोगों को किस प्रकार से प्रेरणा देगा। इसलिए इनको बार बार मध्य प्रदेश में भी भगाने पड़ते हैं, इनको बार बार नहीं, रायपुर जयपुर अभी तो खैर जगह ही दो है ना, अभी तो जगह ही दो है रायपुर और जयपुर, अभी बाकी जगह तो प्रदेश के भी विधायकों को हाँ अच्छा वो आप इतिहास बता रहे हैं ठीक है, वो तो राजस्थान के मध्य प्रदेश के उत्तराखंड के भी मुझे याद है, उत्तराखंड वालों को भी ले गए थे, गुजरात में भी राज्यसभा के चुनाव में ले गए थे। लेकिन खैर इनको अगर ये अच्छा लगता है, इनके लिए आदर्श व्यवस्था है तो गुड लक टू देम। ठीक है एक अंतिम बात और कहवा लीजिए मुझसे वरुण जी, एक अंतिम बात और, ये अभी बड़ी बड़ी लोकतंत्र की बता रहे थे, लोकतंत्र और पता नहीं क्या क्या सत्ता लोलुपता की बात कर रहे थे। एक श्रीमती इंदिरा गांधी थी, ये जून का ही महीना था, साल 1975 था, विद्रोही जी पुराने व्यक्ति हैं इसलिए अच्छे से याद करेंगे। 11 जून का दिन था, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनका कैंडिडेचर रद्द कर दिया और उनको 6 साल के लिए बैन कर दिया चुनाव लड़ने पर, उनको साथ तुरंत प्रधानमंत्री को छोड़ना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट में गई, 25 जून को रिजल्ट आया, सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया रोक लगाने को। जब कोई विकल्प नहीं मिला तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने सत्ता और लोकतंत्र में से सत्ता चुनी, इस देश के सारे लोकतंत्र को जेल में बंद कर दिया। ठीक है फिर इतिहास पर चर्चा फिर कभी करेंगे प्रोफेसर साहब, मेरा फिर आपसे सवाल वही रहता है, इतिहास पर फिर बात कर लेंगे। रजवंत जी ये चल क्या रहा है हरियाणा में, और वेद प्रकाश जी कह रहे हैं ये तो परंपरा रही है, सत्ता में जो भी पार्टी हो तो फिर ऐसा ही होता है और इसलिए बचाव करना पड़ता है, आपका भी जिक्र कर दिया उन्होंने आपकी पार्टी का। प्रवक्ता है उनकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन क्या एक मैं वेद प्रकाश जी से भी और भाई विजू राहुल जी बैठे इनसे भी पूछना चाहूंगा, क्या स्वच्छ लोकतंत्र के लिए ये कार्य सही है जब चुने हुए जनप्रतिनिधियों को इस प्रकार से हमें कहीं छुपाना पड़ रहा है, उनको कहीं लेके जाना पड़ रहा है, तो क्या ये स्वच्छ लोकतंत्र के लिए, मेरा मानना है, मेरा तो मानना यही है कि बिल्कुल ठीक नहीं है। हम जनता को क्या मैसेज दे रहे हैं इस चीज के लिए, जनता के बीच में अगर हम जाते हैं तो उनको क्या कहते हैं कि आप बगैर डरे हुए बगैर लाभ लालच के आप अपना मत का प्रयोग करें, और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर वो जो चुने हुए प्रतिनिधि है वही डरे हुए हैं, तो ये कहाँ किस चीज का डर है, क्या ये केंद्र सरकार जो बैठी है वो क्या अपनी जो एजेंसीज हैं उनका कहीं दुरुपयोग कर रहे हैं, तो मतलब ये एक सोचने का विषय है। और ये आज के लोकतंत्र की जो अभी बैठे बैठे लोकतंत्र की बात कर रहे थे, तो लोकतंत्र का पूर्णतः हनन है ये, इस प्रकार की ये जो कार्य नहीं होने चाहिए थे, हर व्यक्ति को अपने प्रसन्नचित मन से बिना डर बह के और वोट डालने का अधिकार है, तो ये राइट उनसे कोई क्यों छीने, मेरा तो मानना यही है। लेकिन जो हालात आज के बने हुए हैं उसके लिए वेद प्रकाश जी की बात बिल्कुल सही है कि उन्हें अपना कैंडिडेट जिताने के लिए इस प्रकार के प्रयास करने पड़ेंगे, तो ये मानना इसका तो ये हो गया कि कांग्रेस कहीं ना कहीं अपने आप को असहज महसूस कर रही है और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है कि वो तोड़ने और फोड़ने की राजनीति में कितने आगे हैं। मेरा सवाल तो ये है कि क्या वो बीजेपी के कैंडिडेट हैं। अच्छा विद्रोही जी ये आप कह रहे 32 के 33 हो जाएंगे, इकट्ठे तो आज 28 ही हुए हैं, आपको हमारे 31 विधायक हैं और दो हमें अतिरिक्त वोट मिलेंगी, 33 वोट हमको मिलेगी। और बिश्नोई जी किसी की बात मान रहे हैं क्या, उनकी बात से है जी, बिश्नोई जी तो आज भी बुलावे पे नहीं आए, मीटिंग में भी नहीं आए थे। कोई बात नहीं, आप चिंता ना करें, बिश्नोई जी ने एक स्टैंड ले रखा है कि मैं जब तक राहुल गांधी जी से नहीं मिल लूंगा तब तक बैठक में नहीं जाऊंगा। तो 10 जून से पहले मिलवा देंगे क्या, कल या परसों आ रहे हैं राहुल गांधी, आ जाएंगे मिल लेंगे, सब सॉल्व हो जाएगा, कोई समस्या नहीं। बाहर गए हुए हैं हमारी, मैं बड़ी जिम्मेदारी से बात करता हूँ, मैं हवाई बात नहीं करता, दमगज्जे नहीं मारता और असत्य नहीं बोलता, सच के आंकड़े देता हूँ। रजवंत जी ने कहा स्वस्थ लोकतंत्र होना चाहिए, मैं उनकी बात से सहमत हूँ, अगर स्वस्थ लोकतंत्र होता एक एंट्री बनता राज्यसभा का 31 वोट में पहला, दूसरा बनता 30 के अंदर, भाजपा के पास 40 वोट है, हमारे पास 31 वोट है, निर्वाचित प्रतिनिधि है, ये स्थिति आई क्यों, इसलिए आई कि देश की राजनीति में स्वस्थ लोकतंत्र खत्म हो रहा है, खरीद फरोख पैसों और बोरों की राजनीति प्रारंभ हो गई है। और जहां तक बात कर रहे थे प्रोफेसर साहब प्रेरणा की, तो ये क्या मोदी जी को वाजपेयी और अडवाणी जी से भी बड़ा प्रेरणादायक समझते हैं, अगर ये समझते हैं तो इनकी मर्जी, मैं इनकी बात का प्रतिवाद नहीं करूंगा। मैंने उदाहरण दिया था तीन कि भाजपा के भी 3 बार विधायक हरियाणा के अंदर वाजपेयी और अडवाणी जी के नेतृत्व के होते हुए भी
बाराबंदी में रहे हैं। ये परिस्थितियां हर एक राजनीतिक दल को झेलनी पड़ रही है, क्योंकि लोकतांत्रिक परंपराएं और मर्यादाएं धीरे धीरे हनन हो रही है। अगर हम लोग खरीद फरोख्त की राजनीति करने की बजाय, खेला कहने की बजाय, आज एक चैनल में मुख्यमंत्री का बयान दिखाया था वेद प्रकाश जी, इसका मतलब ये हुआ कि अटल जी और आडवाणी जी के समय में जिन नेताओं की बाड़बंदी हो रही थी, यानी उस वक्त भी लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन हो रहा था। मैं मान रहा हूँ, मैं तो स्वीकार कर रहा हूँ कि ये परिस्थितियाँ हो रही है। मैं उससे भाग नहीं रहा, मैं कह रहा हूँ कि ये हो रहा है, ये कटु सत्य राजनीति, ये हो रहा था भी कहिए ना, ये हो रहा था। हाँ, हो रहा था, आज भी हो रहा है। हो रहा था, इसलिए आज हो रहा है, नहीं हो रहा था। इनके राजस्थान पे बीजेपी विधायकों की बाड़ाबंदी होने वाली है, दो दिन चल रहा है। ठीक है, विदुरावल इस पे काउंटर करना चाह रहे हैं। बीजेपी विधायकों की भी बाड़ाबंदी है, दो दिन में हो रही है। अच्छा, क्यों कर रहे हैं? इनके तो सीएम विधायक राजस्थान में क्यों कर रहे हैं? जहाँ जहाँ विपक्ष है विद्रोही जी, जवाब देना चाह रहे रावल साहब। विद्रोही तो आपके विधायक भी हैं। चलिए, अच्छा, मैं इतनी बात कहना चाह रहा हूँ। पहली बात तो मैं इस बात का खंडन करता हूँ, हमारी इस प्रकार की कोई नहीं होगी बाड़बंदी। और आपको अच्छा लगे चाहे ना अच्छा लगे, आप सीख सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक शेरों की तरह निकलेंगे अपने घर से और जनता के बीच में रहेंगे, और ये सारे पब्लिक लाइट में रहेंगे। पहली बात। दूसरी बात, आपने अटल जी अडवाणी जी का नाम लिया, वरुण जी मुझे रोक देते हैं बार बार इतिहास करना पड़ेगा। 1998 की बात है, लोकसभा के अंदर विश्वास मत चल रहा था, एक सांसद जो कि अपनी सदस्यता छोड़कर उड़ीसा के मुख्यमंत्री बन गए थे, स्पीकर के पास आकर उन्होंने कहा कि मुझे वोट डालने दिया जाए, उनको उनकी नाजायज वोट भी डाल आसाम के। केवल एक वोट से वाजपेयी जी की सरकार गई थी, असम की, माफी चाहूंगा, असम के थे। तो उन्होंने कहा था कि बाजार में बिकने के लिए सामान बहुत था लेकिन खरीदार नहीं मिला। एक बात और कही थी विजय विद्रोही जी, उन्होंने उस दिन ही बताया था, सोनिया गांधी जी जो हंस रही थी, अटल जी को देखते हुए हंस रही थी, उसी दिन कहा था कि आज आप हम पर हंस रहे हो, एक दिन आएगा पूरा देश आप पर हंसेगा। और यकीन मानो, पूरा देश आप पर हंस रहा है विजय जी। आप चाहे इसको कहीं वेद प्रकाश जी, आप एक बार और मुझे पूरा करने दीजिए, मैं केवल इतनी बात कहना चाह रहा हूँ। वाजपेयी जी को आपसे ज्यादा जानता हूँ, आडवाणी जी और वाजपेयी जी को आपसे ज्यादा जानता हूँ। जब मैं बच्चा था, 21-22 साल की उम्र था, तब से मेरा उनके पास आना जाना था, उनका बहुत समय था, मैं उस समय भी खेल होता था। भाजपा ने क्या क्या खेल किए, आज विषय नहीं है उस बात का, आज विषय नहीं है। आज विषय इतना है, हरियाणा के अंदर भाजपा सत्ता दुरुपयोग से ठीक है। रावल साहब, मैं एक बार आपके बताने की कोशिश करता हूँ, एक बार एक सवाल ले लूँ मैं फिर आप, हाँ, आप अपनी बात कंप्लीट कर लें, फिर विद्रोही जी से मेरा एक सवाल है। मेरा एक पॉइंट रह गया जो उठाया गया था, इन्होंने कहा कि भाई चुनाव करवाने की जरूरत क्यों पड़ गई, ये तो बाबा साहब अंबेडकर के संविधान पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं, हमारी पद्धतियों पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। अगर ऐसा ही होता, अगर विधायकों से उनकी इच्छा बार बार ना पूछी जाती, तो फिर यहाँ पर तो गणित के हिसाब से कभी वोट होता ही नहीं। आपकी टिकट पर 31 लोग चुन कर आए हैं, लेकिन ये व्यवस्था आज से नहीं है, ये भाजपा की बनाई व्यवस्था नहीं है कि विधायकों को वोट देना पड़ता है। तभी तो आपका जो भ्रष्ट नेतृत्व है, तभी तो ईमानदार रहेगा, तभी तो जिस प्रकार यूज एंड थ्रो करते हैं आप विधायकों का, ये रुकेगा। ये तो अच्छी व्यवस्था है, विधायकों के पास ये ताकत रहे, अपनी सोच की, अपनी अभिव्यक्ति की ताकत रही, ये तो अच्छी व्यवस्था है। और ये तो बाबा साहब अम्बेडकर जी की बनाई हुई व्यवस्था है, इस पर क्यों साहब सवाल खड़े करते हैं? हमने थोड़ी आकर बदल दी है व्यवस्था, आप ट्राई फाउल क्यों कर रहे हैं? जी वरुण जी, जी ठीक है। विद्रोही जी, मेरा एक सवाल आपसे है, देखिए कुल मिलाकर परिस्थिति ये बन रही है कि एक परसेप्शन क्रिएट होता है अविश्वास का। आपके विधायक हैं, चुने हुए विधायक हैं, आप सबको इकट्ठा कर चुके हैं, इकट्ठे होने के बाद वो जब नॉमिनेशन हो रहा है तब सारे साथ नजर आ रहे हैं, ठीक है, एक दो जो नहीं आए उनकी बात अलग है, उनके बावजूद आपको ऐसा क्या लग रहा है कि दूसरी पार्टी ऐसा क्या कर देगी कि उस दिन क्रॉस वोटिंग हो जाएगी? क्रॉस वोटिंग का डर आपको है क्यों? अपने विधायकों की निगरानी इतनी जरूरी क्यों हो गई? एक सवाल, हमारे जो 31 विधायक हैं उनमें 17-18 नए विधायक हैं,
पहली बार राज्यसभा की वोट डालेंगे, उनके कार्यकाल में राज्यसभा की वोट नहीं पड़ी। और राज्यसभा की वोट डालने में बड़ी कठिनाइयां होती हैं, छोटी छोटी टेक्निकल बातें होती हैं, तो उन तकनीकी बातों से उनको अवगत करा दिया जाएगा। और वैसे आप जानते हो गर्मी का मौसम है, सभी गर्मी के मौसम में ये अच्छी बात है विद्रोही जी, नहीं ये बढ़िया लगा मुझे। हाँ ये गर्मी के मौसम में घूमना बहुत जरूरी है। एक मिनट रावल साहब प्लीज, मेरा एक सवाल और ले लो विद्रोही जी। ये जो आपने ये बड़ी अच्छी बात की, एक तो गर्मी के मौसम में घूमना जरूरी है और जब माहौल ऐसा बन जाए तो ठीक है रिजॉर्ट में जाना भी चाहिए। और कांग्रेस में ये मजा है दूसरे विधायकों के मुकाबले कि उन्हें घूमने का मौका जल्दी मिल जाता है। लेकिन 17-18 नए विधायकों की बात आपने की, 2016 में मुझे याद है कई बड़े अनुभवी पुराने विधायक थे और उन्हें पता था कि अपना वोट नहीं दिखाना होता है, उन्होंने अपना वोट दिखा के इनवैलिड करवा लिया था। देखिए 2016 में परिस्थितियां अलग थी, इनेलो ने आर के आनंद जी को अपना निर्दलीय समर्थित उम्मीदवार बनाया। उस समय इनेलो प्रमुख विपक्षी दल था, उनके 17 विधायक थे, हमारे कांग्रेस के 15 विधायक थे। और उस समय की जो राजनीतिक परिस्थितियां थी उसमें इनेलो और कांग्रेस में इतनी प्रतिद्वंद्वता थी कि वो हरियाणा के नेता सोचते थे कि अगर हम साथ दिखेंगे तो हमारा वोट बैंक आधार खिसक जाएगा। बड़ा महत्वपूर्ण है वरुण जी, थी बड़ा अलग तरह की। उसमें हमारा उम्मीदवार राहुल जी आ रहे हो, बात कंप्लीट कर ले। उस समय गलतियां थी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, सहमत हूँ, गलती की हमने। तो इसका मतलब क्या, गलतियों से सबक भी सीखा जाता है। आज कैंपा जाती है, हमारा खुद का विधायक है, हमारे पास विधायक है और जो हमको निर्दलीय विधायकों की वोट। पहली बार किसी कांग्रेस के प्रवक्ता ने आधिकारिक रूप से माना है कि जानबूझकर 2016 में इन्होंने इंडियन नेशनल लोकदल के प्रत्याशी को धोखा दिया, ये जानबूझकर इन्होंने दिया। आज तक ये कह रहे थे गलती से हुआ, धोखा कहां दिया, आपने कोई माना नहीं दिया, आपने हमसे उम्मीदवार थोड़ी खड़ा किया था। अरे मतलब आर के विरुद्ध वोट डाली थी ना, एडवोकेट आर के आनंद को हमसे पूछ कर खड़ा नहीं किया शो में। ये हमारा निश्चित करते हुआ कि जब विपक्ष ने उम्मीदवार खड़ा कर दिया तो हम उसकी मदद करें, पर हमसे कोई सलाह मशवरा नहीं। एक मिनट रावल साहब, विद्रोही जी लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि अब तक कांग्रेस के प्रवक्ता ये कहते थे कि इंक बदल दी गई थी और गेम खेल दिया गया था, आप कह रहे हैं कि हमारी गलती थी। वो भी सच है कि इंक भी बदली गई थी, वो भी सच है, ये भी सच है, और वोट भी दिखाई गई थी। अधूरी बात नहीं कहा, इतना जिम्मेदार कई फैक्टर है, इंक भी बदली गई थी, पेन भी बदले गए थे, उसमें बीजेपी का एक इंडिपेंडेंट विधायक, कई तरह का खेल। एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के लिए आपको सारे विधायकों को रायपुर ले जाना पड़ रहा है, इतना खर्चा करना पड़ रहा है, वजह ये तो नहीं है कि वो जो इंडिपेंडेंट विधायक हैं उनके पिता उनके पिता पूर्व कांग्रेसी हैं और कुछ ना, बड़े दिग्गजों के करीबी हैं। मैं अच्छी तरह जानता हूँ विनोद शर्मा जी को, हमारे मित्र रहे, वित्त मंत्री रहे, और जब हमारी सरकार में वित्त मंत्री थे तो मैं सरकारी प्रवक्ता था, अकेला प्रवक्ता होता था, अच्छी तरह जानता हूँ वो कितने बड़े दिग्गज थे, ये भी जानता हूँ। आप उनका भूपेंद्र हुड्डा से निजी मित्रता थी, इसलिए उनकी चलती थी, और पार्टी संगठन में और पार्टी नेतृत्व में हरियाणा की बात कर रहा हूँ। तो यही डर की वजह तो नहीं है सर, यही डर की वजह तो नहीं है? ना 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 ना, उससे कोई डर नहीं है, हम भाजपा की तिकड़मी। आप राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी को, राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी को हरियाणा से लड़वाते हैं और हरियाणा के नेता को राजस्थान भेज देते हैं। देखिए देखिए देखिए, भाजपा भी तो दुष्यंत को लाई थी, दुष्यंत गौतम जी को लाई थी, अब हमने भी अपनी एडजस्ट करना था। दुष्यंत गौतम को इसलिए नहीं, नहीं, हालांकि मेरा जवाब देना बनता नहीं था इसमें, लेकिन मैं कह रहा हूँ क्योंकि दिल्ली में उनके पास नंबर नहीं थे इसलिए लाई थी। आपने हरियाणा से दिल्ली में नंबर नहीं है? नहीं नहीं, हमारे पास भी दिल्ली में नंबर नहीं है। अरे वो राजस्थान के प्रभारी, आप हरियाणा के व्यक्ति को गृह प्रदेश से नहीं भेज पा रहे? भेज दिया, राजस्थान बनकर आएंगे क्या, वो हरियाणा की राजनीति जाएंगे? ठीक है हरियाणा, बोले फिर रजवंत के पास जा रहे हैं मुझे। हाँ जी रावल साहब बोले, जानकारी आई है, आ रहा हूँ रजवंत, आ रहा हूँ। हाँ, मेरे पास ये जानकारी आई है कि 5 जोड़ी कपड़े मंगवाए गए हैं। अब हरियाणा के अंदर 5 जोड़ी कपड़े कब दिए जाते हैं? क्या आपने महात्मा गांधी जी का स्वप्न पूरा करने का ठान ही लिया है? 5 जोड़ी कपड़े कब दिए जाते हैं इसका पता है? आपने जब कार्यकारी अध्यक्ष बनाए थे तो भी 4 बनाए थे,
तो एक को उठाकर चार कब लेकर जाया करते हैं और पांच जोड़ी कपड़े पितरों के समय मैंने तो सुना है, बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि दिए जाते हैं। ये आपने पक्का ठान लिया है कि आप कांग्रेस का सफाई? वो बैग सबसे पहले जनता टीवी ने दिखाए थे जब विधायक इनकार कर रहे थे, जनता टीवी ने सबसे पहले वो बैग दिखाए थे। रजवंत कुछ कहना चाह रहे हैं? अंतिम यात्रा कांग्रेस? नहीं नहीं रुके रुके, नहीं नहीं, अरे विधु रावल साहब ऐसी बात ना करें। रजवंत जी देखिए जी, विद्रोही जी ने बड़ी ही बेवकूफी से ये चीज को मानना है कि जो आर के आनंद जी के साथ जो हुआ था वो बिल्कुल पार्टी का एक निर्णय था, और वो जबकि हाईकमान ने ये कह दिया था कि भाई इस बार आर के आनंद जी की मदद करनी है, उसके बावजूद ये स्टेट कांग्रेस की वजह से और ये जो माहौल बदला गया था, लड़ाई का जो खेल खेला गया था, इस बार वो निश्चित सोची समझी चाल थी, एक रणनीति के तहत ये किया गया था। आर के आनंद जी को हराया गया था इस चीज के लिए, और आज भी जिस प्रकार रणदीप सुरजेवाला को राजस्थान से भेजा गया है, तो ये रणदीप सुरजेवाला पहले भी जींद में देख चुके हैं इस चीज का माहौल कि कहीं ना कहीं फिर मेरे साथ कोई ऐसी अनहोनी घटना ना घट जाए, इसलिए उन्होंने तो अपना भार का रास्ता पकड़ लिया। और जहां अजय माकन जी की जो बात आई है, अजय माकन जी के साथ भी कोई बड़ा खेल हो जाए इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई शंका नहीं है। हाँ, इस चीज में करने में आज फिर वही हाल है कि हो सकता है भूपेंद्र सिंह हुड्डा फिर कोई नया खेल खेल दे, क्योंकि जो पार्टी की जो लाइन होती है, ऐसा कई बार हुआ है कि पार्टी की लाइन से हटकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपना काम किया है। जिस प्रकार से जो ये माहौल खरीद फरोख्त का जो माहौल बनाया जा रहा है, ये देश के लिए अच्छा नहीं है, लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। खेल, जो लोग यहाँ पर संविधान की बातें कर रहे हैं, जो बैठ के यहाँ पे संविधान की बातें कर रहे हैं कि संविधान में ये हुआ संविधान में ये हुआ, ये लोग तो संविधान के नाम पर केवल और केवल राजनीति करते हैं। ये तो वो लोग हैं जो संविधान को बदलने की कगार पर बैठे रहते हैं। ये जो आपने अभी बात कही कि आलाकमान की बात नहीं मानते, कल हमने एक खबर दिखाई थी कि हाईकमांड और राहुल गांधी चाहते थे कि सिंबल पर पार्टी चुनाव लड़े, लेकिन हुड्डा साहब ने वो किया जो उन्हें लगा। विद्रोही जी, खेल खेल में खेल तो नहीं हो जाएगा कहीं? ये खेल भाजपा के साथ होगा, हमारे साथ नहीं होने वाला। जो दूसरों के साथ खेला करना चाहते हैं उनको पता चल जाएगा। मैं तो आपसे ठोक कर कह रहा हूँ, नाले के साथ कह रहा हूँ कि 32 से 33 वोट हमको मिलेंगी, बढ़ सकती है घटेगी नहीं। अच्छा, बढ़ कैसे सकती है? मैं तो जानना, आप कह रहे हैं बीजेपी में क्रॉस वोटिंग होगी या जेजेपी में? अब बीजेपी जाने, हो सकता है कार्तिकेय को वोट दे दें बीजेपी वाले। देखिए, आपको मैं एक बड़ी स्पष्ट बात बताता हूँ, बीजेपी के पास 40 वोट है, इनको प्रथम 31 वोट तो कम से कम निर्धारित करनी पड़ेगी कृष्णलाल पवार को। आज आप मेरी बात याद रख लेना, कृष्णलाल पवार जी को ये 33-34 वोट फर्स्ट प्रिफरेंस की देंगे। इनके पास केवल 6 या 7 विधायक बचेंगे फालतू, क्योंकि इनकी वोट ट्रांसफर नहीं होने वाली। अगर इनका उम्मीदवार होता कार्तिकेय तो इनकी वोट ट्रांसफर हो जाती 31 के बाद। अब इनकी वोट जो इनकी 31 या 34 वोट जो देंगे वो उन्हीं के पास रहेगी। अगर इन्होंने 31 वोट ही अलाट की कृष्णलाल पवार को, तो हो सकता है कृष्णलाल पवार जी के साथ ही खेलना हो जाए। आप मेरी बात याद रख लेना, इसलिए ये कम से कम 34 वोट उसको हमने कुछ बात याद करेंगे, 25 वोट के आसपास रह जाएगा। इतने कॉन्फिडेंट है सर आप, फिर क्यों विधायक भेजने पड़ गए? मेरा सवाल वही है, आप कह रहे 34 वोट अगर उधर दे दिए, 34 वोट दे दिए, फिर तो कार्तिकेय शर्मा मैदान में ही नहीं है। अरे वाह वरुण जी, चोर आपके घर पर चोरी करने के लिए तैयार बैठा है, और आप गवर्नमेंट तो ताले लगा रखे हैं, सावधानी करने की क्या जरूरत है? तो सर, आप चोरों से सावधान रहना पड़ता है। आपका सामान, आपका सामान इतना सुरक्षित क्यों है? सामान सुरक्षित नहीं है। आपका सामान इतना सुरक्षित क्यों है? हरेक आदमी अपने सामान की सुरक्षा करता है, चाहे कितनी बड़ी सुरक्षा को ना क्यों ना हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हमारे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री की तो लोकप्रिय नेता है, चुनकर आए हैं, फिर इतनी बड़ी फौज सुरक्षा की क्यों लगा रखी है कि पार्टी कार्यकर्ताओं को धक्के दिए जाते हैं जब वो पंडित में जाते हैं? केवल सुरक्षा के लिए ही तो करा जाता है, सावधानी तो बरती जाती है। आपसे ये कंपैरिजन की खैर मुझे उम्मीद नहीं थी। विधु रावल कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ सावधानी तो रखनी पड़ती है सर। आपकी सावधानी के बावजूद भी दुर्घटना घटने वाली है। अभी तक जितनी श्योरिटी के साथ ये कह रहे हैं कि हम चुनाव जीतने वाले हैं, इससे डबल श्योरिटी के साथ मेरे साथ विदेश में आकर कहा करते थे कि हम निकाय चुनाव में ये करने वाले हैं वो करने वाले हैं। जिस प्रकार निकाय चुनाव में ये रण छोड़कर चले गए, वहां पर रणछोड़ दास बन गए, आज वही काम इन्होंने हरियाणा की भूमि छोड़ते हुए वही काम कर दिया। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये जो आज हरियाणा से बस लेकर गए हैं, ये इस बस का कोई रिटर्न नहीं है, कांग्रेस वापस नहीं आ रही। ये कांग्रेस ने अपना अंतिम कार्य हरियाणा के लिए कर दिया,
अब हरियाणा हरियाणा से कांग्रेस समाप्त है और हरियाणा से कांग्रेस युद्ध भूमि छोड़ चुकी है, रणछोड़ दास है, तो इस नाते से आज फिर आपकी छाती पर हाथ मारकर बड़ी बड़ी बिंदिया आंकने का कोई अर्थ नहीं रह जाता। आदरणीय वेद प्रकाश जी, आप मुझको वास्तव में आपके लिए चमत्कारिक होगा, वास्तव में जिस प्रकार से आपके पांव के नीचे से जमीन निकल चुकी है वो उसको चिरतार्थ करता हुआ वो रिजल्ट होगा। आप मुस्कुराइए, आप इतना बौखलाइए मत। रजवंत, आपको क्या लग रहा है, कोई खेल में खेला होगा या कुछ क्लियर कट मामला दिखाई दे रहा है? आपकी राजनीतिक समझ क्या कहती है? रजवंत, आपकी आवाज में थोड़ी दिक्कत आ रही है, एक बार उसको चेक करा लेते हैं फिर। हेलो, हाँ जी बोले बोले जी बोले बोले जी जी। मैं ये कि इस प्रकार का जब दो उम्मीदवार खड़े कर दिए तो तीसरा उम्मीदवार जब मैदान में आया है, निर्दलीय उम्मीदवार मैदान में आया है, तो उसी समय ये सोच लेना चाहिए कि कोई भी बड़ी घटना घट सकती है, इस चीज में कोई दो राय नहीं है। और ये खेल से कांग्रेस के साथ हो चाहे भारतीय जनता पार्टी के साथ हो, खेल होना निश्चित है। ठीक है, जहां तक ज्यादा चांस लग रहे हैं कि कांग्रेस के साथ इस प्रकार कोई ना कोई घटना घट सकती है। विद्रोही जी, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। मत कह रहा हूँ, अगर इन्होंने 31 वोट अलॉट किए कृष्णलाल पवार के लिए तो खेला हो जाएगा। मैं आपको कह रहा हूँ, इसलिए मेरी बात याद रख लेना अरुण जी, वरुण जी, ये 34 वोट अलॉट करेंगे उसको, और उसको 34 वोट अलॉट करने के बाद मैं कोई हवाई बात नहीं कर रहा, मैं जमीन की बात कर रहा हूँ। जहाँ तक निकाय चुनाव की बार बार दावा कर रहे हैं निकाय चुनाव सिंबल पर लड़े ही नहीं, हाँ हम सिंबल पर लड़ना चाहते थे, कुछ लोग लड़ना चाहते थे दूसरे नहीं लड़े, और भाजपा का जहाँ ताल्लुक है, भाजपा तो पिछले 30 सालों से इनके पास चुनाव लड़ रही है, कम से कम तो छोड़ दिए जाए, उसका इससे क्या संबंध है? चलिए कुल मिलाकर सर चर्चा समाप्त करनी है, समय मेरे पास नहीं था, लेकिन मेरा सवाल यही था कि अगर हम अपने विधायक ले जा रहे हैं तो दूसरों का क्या संबंध है, हम सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं तो दूसरों का क्या संबंध है? राजनीतिक पार्टी होती है तो सर संबंध सारे कहीं ना कहीं होते हैं और पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जवाब भी देने ही होते हैं। विद्रोही जी, चर्चा फिर करेंगे आपसे, फिलहाल आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर विदु रावल आपका शुक्रिया, और रजवंत जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कांग्रेस की मजबूरी, बाड़बंदी है जरूरी, क्योंकि राज्यसभा चुनाव दिलचस्प है और माकन की राह में मुश्किलें फिलहाल दिखाई दे रही हैं। देखना है 10 जून को क्या होता है। यहां रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।